नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। चुनावी मौसम में जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है उस पर इनकी इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे और अपनी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम डेटा जिसको कहा जाता है कि कितना मतदान प्रतिशत हुआ वो जारी किया गया कल, और काफी कुछ उस पर सवाल उठाए गए विपक्षी दलों के द्वारा। ममता बनर्जी ने, सीपीएम ने सवाल उठाए। हालांकि मैं कांग्रेस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो उसमें बहुत संदेह वाली बात वो नहीं कह रहे थे, पर वो बोल रहे थे कि इसका ध्यान रखना चाहिए चुनाव आयोग को। तो मेरा सवाल दो स्तरों पर है कि हम एक तो इसे कैसे देखें और दूसरी अगर ये संदेह पैदा करने वाली बातें हैं तो क्या विपक्षी दल बस इसको अनमने ढंग से उठाकर रह जाते हैं, उन्हें और सक्रिय होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि विपक्षी दल एक तरह की दुविधा के शिकार भी होते हैं थोड़े से। अब चुनाव आयोग इस देश में चुनाव कराने वाली एक ऐसी संस्था है, इसकी पूरे विश्व में ख्याति है। पिछले दिनों चुनाव आयोग के पूरी पूरी संरचना और सरकार के उसके ऊपर प्रभाव और सरकार और खासतौर से प्रधानमंत्री के प्रति उसकी जो एक विशेष नरमी दिखाई पड़ती है, वो नरमी, इन सब चीजों के आलोक में देखें तो चुनाव आयोग की गतिविधियां उतनी पारदर्शी नहीं लगती जितनी पारदर्शी एक जमाने में लगा करती थी। अभी हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की थी कि शेषन के जमाने में, उनकी टिप्पणी का आशय ये था कि शेषन के जमाने में चुनाव आयोग को एक रीढ़ मिली थी, इससे नेता लोग चुनाव आयोग से पंगा लेने में घबराते थे। आप आज का चुनाव आयोग फाइलों में उस रीढ़ की तलाश करता है और वो रीढ़ की तलाश, उसे रीढ़ मिल नहीं रही है उसे अपनी दोबारा। जब प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में वक्तव्य दिया जो खुले रूप से एक हेट स्पीच का उदाहरण है, नफरती स्पीच, नफरती भाषण का उदाहरण है, उसके बाद चुनाव आयोग ने उनको सीधा सीधा जवाब तलब करने की बजाय पार्टी के अध्यक्ष के जवाब तलब किया, और उसको संतुलित करने के लिए राहुल गांधी की ये कथित स्पीच, कथित आपत्तिजनक स्पीच पर जवाब तलब राहुल गांधी से सीधे करने की बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे को वो नोटिस भेज दिया गया, जबकि राहुल गांधी की स्पीच जो थी वो गरीबी के आंकड़ों को लेकर थी और सरकार के इस दावे की आलोचना करती थी कि सरकार ने गरीबी घटाई है। तो ये तो कोई भी कह सकता है, वो राहुल गांधी की स्पीच, राहुल गांधी का वक्तव्य नफरती वक्तव्य नहीं था। बहरहाल, तो चुनाव आयोग की ये जो चुनाव आयोग जिस तरह चुनावी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, जिस तरह चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देते हैं और फिर उनकी नियुक्ति की जाती है, तो ये सारी स्थितियां चुनाव आयोग के आचरण के बारे में एक विश्वास जमने नहीं देती। ऐसी स्थिति में जब चुनाव आयोग पहले दौर के आंकड़ों का अंतिम आंकड़ा 11 दिन बाद देता है और जो मतदान में गिरावट हुई थी उस मतदान की जो गिरावट है वो कुल मिला के 3% रह जाती है। अभी भी चुनाव आयोग के आंकड़ों से इस बात का निराकरण नहीं हुआ है कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जो मतदान में गिरावट आई है उसको किस तरीके से देखेंगे और उसका पता किस तरीके से लगाएंगे। देखिए, होता यह है कि दिन भर मतदान हुआ तो मतदान के बाद में जो पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं हर मतदान केंद्र पर, उनके दस्तखत कराए जाते हैं एक कागज पर जिसमें जितने मतदान हुए हैं उनके आंकड़े लिखे हुए रहते हैं, इस बूथ पर इतने वोट पड़े, किसने वोट दिए, क्या वोट दिए, ये तो निर्णय के दिन पता चलेगा। लेकिन कितने वोट पड़े का के आंकड़े पर एक दस्तावेज तैयार किया जाता है, उस दस्तावेज पर हर पार्टी के जो वहां प्रतिनिधि होते हैं उनके दस्तखत कराए जाते हैं। और इस बार कांग्रेस ने अपने लोगों से कहा था कि वो आखिर तक रहें, छोड़ के ना जाएं मतदान केंद्र और उसके ऊपर दस्तखत करके आए ठीक से, इस मामले में चूके नहीं। अच्छा, अब उन्हीं कागजों का अगर जोड़ लगाया जाए तो पता लग जाएगा कि उस दिन सारे देश के मतदान केंद्रों पर या जिस उस दौर में जहां जहां भी मतदान हुआ है उस पर कितने वोट पड़े और उसके आधार पर प्रश्न निकाला जा सकता है। ये तो सीधा सीधा अंकगणित का खेल है। अब प्रश्न ये है, क्या चुनाव आयोग के पास वो आंकड़े आने में, उस कागज में लिखे हुए आंकड़े आने में इतनी देर लगी? तब फिर जो प्रोविजनल आंकड़ा यानी जो अस्थाई आंकड़ा शुरू में जारी किया गया था, वो भी चुनाव आयोग ने जारी किया था, वो हम लोगों ने अपने मन से थोड़ा बना लिया था उस आंकड़े को, वो किस आधार पर जारी किया गया था?
वो कौन सा आंकड़ा था, किस कागज के आंकड़े पर जारी किया गया था। और फिर आखिरकार हो सकता है वो कहे साहब कि हम सारे आंकड़े रोके रहे, हमें कहीं एक या दो जगहों से आंकड़े आने में देर हो गई थी किसी वजह से, तो उसकी तफसील बताए चुनाव आयोग, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे कोई प्रेस रिलीज जारी करे। ये जो असाधारण देरी हुई है ये भारत के इतिहास में पहली बार हुई है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो एक ऐसे वक्त में जब वोट डालने की विधि क्या हो, अच्छी सही विधि क्या हो, इसके ऊपर एक तरह की बहस चल रही है, संदेह का वातावरण है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चाएं हो रही हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये नहीं मान रहा है कि कागज के मतपत्र से चुनाव हो तो ये तो कम से कम मान ही रहा है कि और भी ज्यादा इसमें सेफ गार्ड, और भी ज्यादा सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए। केवल ये कह देना, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के मुंह पे तमाचा पड़ा है, तो फिर ये क्या मान लिया जाए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला फैसला था उसमें भाजपा के मुंह पे घूसा पड़ा है, उसे क्या माना जाए इस बात को। तो इस प्रकार ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसा चुनाव आयोग को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष होते हुए दिखना भी चाहिए, या उसकी पद्धति में कोई समस्या है, पद्धति में समस्या है तो वो भी स्पष्ट होनी चाहिए, या टेक्नोलॉजी में कोई समस्या है, आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जब एक दिन में वो पूरे देश में हुए मतदान की गिनती करके बता देगा लोगों को नतीजा क्या है। तो पहले दौर में जो हो रहा है उसमें उसके आंकड़े इतनी देर से क्यों आए। ये भी कहा जा सकता है कि जो मैंने दूसरा सवाल किया कि विपक्षी दल जब इन मुद्दों को एक बयान देकर बिल्कुल चुप रह जाते हैं तो एक तरीके से यह मान लिया जाता है कि मुद्दों में उतना दम नहीं है, क्या ये स्थिति भी है? नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। मेरा कहना है ये मैं नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि विपक्षी दलों के सामने एक दुविधा रहती है, वो अगर पूरी तरीके से चुनाव आयोग को खारिज करने लगेगा और खुलेआम कहने लगेगा हमें चुनाव आयोग पे कोई भरोसा नहीं है, फिर विपक्षी दलों के सामने सब बात ये आएगी कि विपक्षी दल को ये तय करना पड़ेगा कि वो इस चुनाव आयोग के तहत चुनाव में भाग ले या ना भाग ले। चुनाव आयोग के ऊपर बेईमानी का आरोप लगाना पड़ेगा। अभी जो यशवंत देशमुख हैं उन्होंने 3 आंकड़े रखे। उन्होंने कहा जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था तब चुनाव आयोग ने जो अपने प्रोविजनल आंकड़ों के मुकाबले जो उन्होंने लास्ट अंतिम आंकड़े दिए उसमें 3-4% का अंतर था, 3-4% मतदान बढ़ा हुआ दिखाया गया। इसी तरह तेलंगाना में भी हुआ है? इसी तरीके से एक उन्होंने और राज्य का जिक्र किया जिसमें ऐसा हुआ, और तीनों जगहों पर विपक्ष की सरकार बनी जब नतीजा आया था। तो ये चीज एक इस तरह की चीज है, इसमें चुनाव आयोग का जो मौजूदा रवैया है उस पूरे मौजूदा रवैये के संदर्भ में जब देखते हैं तब इसमें ज्यादा शक होता है। एक चीज ये भी है कि जो चुनाव आयोग है वो छोटे नेताओं पर या तुलनात्मक रूप से छोटे नेताओं पर तो कुछ कार्रवाई कर देता है, आज KCR पर कार्रवाई हुई, वो थोड़े बड़े नेता हैं, पर एकदम से राष्ट्रीय स्तर के नेता पर कार्रवाई करता हुआ चुनाव आयोग नहीं दिखता है। तो ये भी प्रधानमंत्री का है, आज तक भारत के प्रधानमंत्री को किसी भी चुनाव आयोग ने कभी कोई नोटिस नहीं दिया, ये पूरे चुनावी इतिहास में है। तो प्रधानमंत्री को कोई नोटिस देना है, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से चुनाव आयोग एक ऐसा परहेज करता है, और किस आधार पर करता है ये एक अघोषित बात है। तथ्य ये है कि जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो दरअसल वो प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं। उन्हें एक ही प्रिविलेज, एक ही विशेष सुविधा हासिल होती है कानूनन, वो है सुरक्षा की। इसके अलावा उनमें और एक साधारण नेता जो प्रचार कर रहा है तकनीकी रूप से कोई अंतर नहीं है। इसके बावजूद उनको ये एक विशेष सुविधा सी इस देश में प्राप्त है शुरू से कि उनको चुनाव आयोग कभी कोई नोटिस नहीं देता। तो ये जो मतदान के प्रतिशत में एक अंतर सामने आया है तो क्या उसके आधार पर जो पहले विश्लेषण किए गए थे उनमें संशोधन करने की भी आवश्यकता है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं इसको, क्योंकि पहले जो विश्लेषण किए गए थे उसमें वो राज्यवार विश्लेषण थे। आप ध्यान से देखिए, एक तो ये था कि सारे सब जगह मतदान प्रतिशत गिरा, वो चीज हो सकता गलत साबित हो जाए, लेकिन राज्यवार था। ऐसे उत्तर प्रदेश की जो 16 सीटें हैं उन 16 सीटों पर मतदान प्रतिशत लगातार गिरा है,
और उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने फर्क बताया है चुनाव आयोग ने, वो बहुत मामूली मामूली सही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन बिहार के संदर्भ में वो फर्क ज्यादा है, महाराष्ट्र के संदर्भ में फर्क बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो एक तो तीन तरह से देखने की जरूरत है कि कुल मिला के मतदान प्रतिशत कितना गिरा है, उसके बाद में राज्यवार मतदान प्रतिशत में क्या फर्क आया है, उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर मतदान प्रतिशत में क्या फर्क आया है। बाद में ये भी देखना पड़ेगा कि जेंडर के लिहाज से यानी स्त्री और पुरुष के मतदान के हिसाब से क्या फर्क पड़ा है। मसलन जो NCR में यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जिन दो निर्वाचन क्षेत्रों पर इस बार मतदान हुआ है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, वहां पर स्त्री मतदाताओं का प्रतिशत पुरुष मतदाताओं के मुकाबले काफी नीचे गिरा है। मैं मानता हूं ये चीज भाजपा के खिलाफ जाती है, पिछली बार स्त्री मतदाताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दिया था। तो इस ये विश्लेषण तो इस प्रकार के है ना। आज प्रधानमंत्री के एक भाषण को वेब पोर्टल जो होते हैं वहां पर उसका दिख रहा था, आज तक के वेब पोर्टल पे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक SC ST OBC का आरक्षण मुसलमानों को कांग्रेस को नहीं देने दूंगा। इससे ऐसा लगता है कि वो अपने पुराने मुद्दे पर ही टिके हुए हैं, क्या ये बात सही है? वो पुराने मुद्दे पर भी देखिए, अब पहले क्या है कि अब वो आरक्षण के सवाल को उठाने लगे, पिछली बार भी उठा रहे थे, लेकिन अब वो उन्होंने क्या, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है, आपको ध्यान पड़ा हो तो आप बताइए, क्या उन्होंने वो मंगलसूत्र वाली बात कहनी जारी रखी है? क्या वो सोना चांदी संपत्ति बांटने की बात अभी भी कह रहे हैं, या उसमें फर्क पड़ा है? एक नया पहलू और पैदा हुआ है कि उन्होंने शहजादे ज्यादा कहना शुरू कर दिया है, वो एक तरह से राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी भी बनाना चाहते हैं उसको। तो एक तरह से राष्ट्रपति प्रणाली ऐसे चुनाव में बदलने की कोशिश भी उनकी तरफ से दिख रही है, और अखबार भी उसको इसी तरीके से छाप रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी का वक्तव्य होता है, इसमें राहुल गांधी पे अटैक होता है, एक तो राहुल गांधी का वक्तव्य होता है, नरेंद्र मोदी पे उसमें हमला होता है, तो वो भी इस तरीके से कर रहे हैं। जो अलग अलग राज्य हैं, मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र, जहां पर ऐसा लगता है कि मुद्दा शरद पवार और जो सिंधे जो पार्टी तोड़ी गई शिवसेना वो होगा, तो क्या वहां भी इस तरह कोशिश कामयाब हो सकती है कि सीधे सीधे चुनाव? मेरा तो मानना ये है कि ये जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं या कांग्रेस जो कर रही है, ये दो व्यक्तियों की लड़ाई बनाने के, दो नेताओं का संघर्ष बनाने का जो प्रपंच है, ये प्रपंच कामयाब नहीं होगा इस चुनाव में, मुझे लगता है। और फिर मेरे पास जो सबूत है इस बात का, वो सर्वे का डेटा ही है, बाकी और कोई सबूत मेरे पास नहीं है। उसी सर्वे के डेटा के आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव मुद्दा आधारित चुनाव है, जिसमें लोगों को जिस तरह की गवर्नेंस मिली है, जो वायदे किए गए और जो जिस हद तक उन वायदों को पूरा किया गया, कितनी उन्हें उम्मीद बाकी बची है, कितनों की उम्मीद टूट गई है, इस आधार पे लोग वोट कर रहे हैं, इस आधार पे वोट हो रहा है। इसमें जातियों की व्यक्तियों की उम्मीदें हैं, जातियों की उम्मीदें हैं, समुदायों की उम्मीदें हैं, धर्मावलंबियों की उम्मीदें भी हैं इसके अंदर शामिल, मैं मानता हूं। उन सब ने कुछ ना कुछ उम्मीद की थी सरकार से, जिसकी उम्मीद सरकार से ज्यादा पूरी हुई होगी वो सरकार को वोट देगा, जिसकी उम्मीद कम पूरी हुई होगी उसमें से वो काफी वोट कम हो जाएंगे, जिसकी उम्मीद बिल्कुल पूरी नहीं होगी वो बिल्कुल वोट नहीं देगा सरकार को। और मुझे ये भी लगता है कि इस बार कोई वोट कटवा कामयाब नहीं होगा, वोटर बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक उत्तर प्रदेश में एक निर्वाचन क्षेत्र है संत कबीर नगर, जो पहले खलीलाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां पर समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने एक मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया है, सैयद अशरफ करके उनका कुछ नाम है, उनको टिकट दिया है उनको। और संत कबीर नगर में 5-6 लाख मुसलमान वोट है और 3-4 लाख दलित वोट है, यानी करीब 9-10 लाख वोट ऐसे हैं जो कि अगर एक जगह जमा हो जाएं तो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। और सपा ने एक निषाद को टिकट दिया है, भाजपा ने भी एक निषाद को टिकट दिया है, तो इस तरह वो उम्मीदवार बिल्कुल साफ तौर पर लगता है कि वो इनको इन लोगों से निकल जाएगा आगे। अब अगर मुसलमान वोट जो है वो सपा और बहुजन समाज पार्टी के बीच बढ़ जाते हैं तो फिर फायदा भाजपा के उम्मीदवार को हो जाएगा। तो इन सब तरीके से ये इस तरह का जो चुनाव होता है, ऐसा ही चुनाव हो रहा है, इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की क्या राजनीति है
वहां का क्या समीकरण बन रहा है, वहां राजनीतिक शक्तियों का विन्यास क्या है, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। कुल मिलाकर ये निर्वाचन क्षेत्र में कही जा सकती है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति है विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ही, उससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा ये खुले रूप में अभी कहना ठीक नहीं है, उसके लिए चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले हम लोगों की राय ये थी कि जो कि सर्वे के आधार पर हमने अपनी राय बनाई थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा तो उनको 5-7% वोट मिलेगा, या हो सकता 10% तक वोट पहुंच जाए, लेकिन उनको कोई सीटों में सीट जीतने की उनकी कोई संभावना नहीं है। और जो दलित वोट है वो फ्री फ्लोटिंग हो जाएगा, वो ज्यादातर वोट बसपा के साथ ही रहेगा, लेकिन फिर इधर उधर बट जाएगा, कुछ सपा में चला जाएगा कुछ और कुछ भाजपा में भी चला जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा में जाट ऑफ वोट कुछ गया भी था, कुछ भाजपा ने स्वीकार भी किया था कि हमारी तरफ वोट आया है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं लग रही है। अब ऐसा भी लग रहा है कि शायद दलित जो वोटर है वो अपनी पार्टी, उनकी अपनी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी रही है, उस पार्टी के गिरते हुए ग्राफ को उठाने के लिए भी वोट करेगा, उसको बचाने के लिए भी वोट करेगा, ये भी स्थिति है। और मायावती ने जिस तरीके से टिकट बांटे हैं उससे लगता नहीं है कि वो केवल किसी एक पार्टी का खेल खेल रही है, वो लगता है अपनी पुरानी साख को वापस लाने के प्रयास में है। और इसमें उन्हें कामयाबी मिल सकती है उम्मीदवारों के हिसाब से। हाँ, उन्हें कुछ उम्मीदवार वो जीत, अगर उनके अगर किसी निर्वाचन अगर अगर सारा का सारा चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों की शक्तियों के आधार पर हो रहा है तो उसमें उम्मीदवार का महत्व तो बढ़ जाता है। वो पिछले दो दिनों से जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है चुनाव के इस मौसम में वो ये है कि क्या रायबरेली से और अमेठी से सोनिया गांधी सॉरी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोग चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो कांग्रेस की जो ये रणनीति थी या जो असमंजस की स्थिति थी कि अंतिम समय तक उसको खींच कर ले गए, क्या उनके लिए एक तरीके से मुश्किल पैदा करने वाली बात हो गई? देखिए अब तो सोनिया गांधी ने एक तरह से निर्देश ही दे दिया है दोनों को, ना चुनाव लड़ना चाहिए। आपने खबर आई होगी, देख सुनी होगी, अभी कुछ देर पहले ही खबर आई है, सोनिया गांधी ने कहा है कि अगर राहुल और प्रियंका नहीं लड़ते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव तो ये चुनाव भाजपा को प्लेट में रखकर भेंट कर देना जैसा होगा। तो अब तो लगता है कि वो दोनों चुनाव में उतरेंगे। कुछ दुविधा जरूर उनके मन में पैदा हुई थी, या हो सकता है कि कांग्रेस की ये रणनीति रही हो इस तरीके से पूरी बात को रखा जाए। कुछ कह नहीं सकते इसके अंदर कि क्या इसके पीछे कारण है, लेकिन अंततः तो जो होगा, जो उन्होंने निर्णय किया है वही निर्णय अंततः प्रभावी रह जाएगा कि वो चुनाव लड़ेंगे और उससे कांग्रेस के जो कांग्रेस की चुनावी मुहिम है वो लाभान्वित होगी। क्या ये एक तर्क जो चल रहा था उसे कुछ हद तक वैध माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को एक ही जगह पर सीमित कर देना चाहती है क्योंकि संघर्ष काफी कड़ा होगा इसलिए उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? मैं ये नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि ऐसे नेता केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही प्रचार नहीं करते हैं, टक्कर कितनी भी निर्वाचन क्षेत्र में कड़ी हो, वो निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा कड़ी टक्कर होगी तो एक के बजाय दो या तीन बार चले जाएंगे, बाकी तो उनके वहां पर लोग होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, जैसे कि किशोरी लाल शर्मा हैं, तो किशोरी लाल शर्मा रायबरेली और अमेठी दोनों में कांग्रेस का काम देखते हैं और वो बहुत ही वरिष्ठ हैं, वो कई दशकों से वहां पर उन दोनों का काम देख रहे हैं और वो उनके हाथ में इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को गांधी परिवार के पक्ष में करने की बागडोर रहती है हमेशा। पिछली बार भी वो रायबरेली में कामयाब हुए थे और कहा यह जाता है कि चूंकि अमेठी में उनकी बजाय किसी और को जिम्मेदारी दे दी गई थी इसलिए राहुल गांधी 50,000 वोटों से वहां पर चुनाव हार गए, वरना शायद ना हारते चुनाव। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। प्रोफेसर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।